हाय फ्रेंड्स, मैं अंकिता यादव और आज की रेसिपी है मेरी पनीर भुर्जी। और यहाँ मैंने हाफ के जी पनीर लिया है और ये 2 से 3 कैप्सिकम, 3 मैंने ओनियन कट किए हैं और 3 टोमेटो। और ये पेस्ट बनाने के लिए मैंने मिक्सर में अदरक, जिंजर, गार्लिक लिया है, इनको हम पेस्ट बनाएंगे। और अभी हमारी कढ़ाई गरम हो गई, इसके अंदर मैंने 5-6 स्पून ऑयल डाल दिया है, रिफाइन ऑयल डाला है, आपको जो पसंद है वो डालिए। और उसके बाद हम इसके अंदर आधा चम्मच जीरा डालेंगे, चुटकी भर हींग डालेंगे, और ये हमारा ओनियन जो भी हमने कट करके रखा था वो ऐड कर रहे हैं। आप अपने फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसको हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब इसके अंदर हम जिंजर, गार्लिक और चिल्ली का पेस्ट डालेंगे, जो भी हमने बारीक पिसा हुआ है। मैं कम तीखा बना रही हूँ, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्ची बढ़ा सकते हैं। और इसको ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे, ये मैंने बड़ा कट किया है, आप बारीक भी कट कर सकते हो। और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है पनीर की, और बच्चे लोग की तो फेवरेट है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, काफ़ी हेल्थी है और काफ़ी टेस्टी है। इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे ताकि वो भी साथ में पक जाए। तो ये मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, छोटा चम्मच, 1 चम्मच, और ये आधा चम्मच मैं पनीर मसाला डाल रही हूँ, और ये आधा चम्मच हल्दी, और उसके बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और उसके बाद ये टोमेटो, आपको टोमेटो कम पसंद है या आपको टोमेटो से कोई परेशानी है तो कम डालिए। और साथ में मैंने नमक डाल दिया है ताकि वो अच्छे से गल जाए, उनमें मिक्स हो जाए। और इसको कवर करके हम 10 मिनट तक स्लो आंच पे पकाएंगे, और इसमें से ऑयल निकलने लगेगा, तो समझो हमारी सब्जी रेडी हो गई। और ये मैंने 10 मिनट बाद देखा तो ये हमारा जो भी सब्जी मसाला ये सब पक के रेडी हुआ है। अब इसके अंदर हम पनीर ऐड करेंगे। तो ये मैंने पनीर को मैश कर लिया है अच्छे से, हाथ से इसको बारीक मैश कर लेंगे। उसके बाद हम सब्जी में मिला देंगे, अच्छे से मिला देंगे। और इसको भी हम कवर करके 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे स्लो आंच पे, और इसमें से भी तेल निकलने लगेगा। ये देखिए साइड साइड में आपको दिख रहा है, तो हमारी सब्जी रेडी है सब करने के लिए। तो आप नान रोटी, रोटी या पराठा किसी के साथ भी इसको सर्व करिए, इंजॉय करिए, और एक बार ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है।
तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई रेसिपी। थैंक यू।